हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिबिस्कस के ऊपर से मेलीबग अटैक को किस तरह से हटाया जाए। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्स है जो इनके ऊपर, मेलीबग के ऊपर घूम रही है। और दोस्तों, एक्चुअल में हो ये रहा है कि एंट्स इनका फार्मिंग करती है और एंट्स ही एक हिबिस्कस प्लांट से दूसरे हिबिस्कस प्लांट के ऊपर ये छोटे छोटे मेलीबग्स पहुँचाती है, जिससे एंट्स को मिलता है खाना। अगर हम और क्लोजअप करते हैं और अगर फोकसिंग अच्छी हो गई तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, अगर हम इस वाली एंट्स को, ये जो यहाँ पर एंट है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ खाने की कोशिश कर रही है, जो कि मेलीबग प्रोड्यूस कर रहा है। छोटा सा हनी टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है जो एंट्स खाती है और तभी इसका एंट फार्मिंग करती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों, ऐसा क्या करें जिससे ये मेलीबग परमानेंटली चले जाएं और एंट्स फिर से ना आए हमारे किसी भी प्लांट के ऊपर? तो दोस्तों, इसमें हम दो काम करेंगे। सबसे पहले तो हम मेलीबग को हटाने वाला प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम एंट्स को रिमूव करने का प्रोसेस करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छे से देखना कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मेलीबग को रिमूव करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेलीबग को हटाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक लीटर वाली बोतल चाहिए जो कि जुड़ी हो एक स्प्रे से। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा दोस्तों रहेगा सर्फ रहेगा। सर्फ डालेंगे हम, वो भी बहुत ही लाइट, एकदम लाइट, क्योंकि मेलीबग की जो स्किन होती है वो ही उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी स्प्रे से। तो हम उसकी स्किन को इसी से तोड़ेंगे। हम सर्फ का थोड़ा सा हिस्सा डालेंगे, इतना सा मिक्सचर इनफ है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके बाद हम डालेंगे शैम्पू। अब शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये वाला अवेलेबल है तो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। आपको एक लीटर की बोतल में करीब हमारा एक रुपये वाला पैकेट आता है, उतना सा शैम्पू डालना है। अगर आप नोटिस करेंगे हमने इतना सा शैम्पू डाला है, इतना इनफ है। अब दोस्तों, तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स है हमारा नीम ऑयल। नीम ऑयल ये कहीं पर भी मिल जाएगा, तो ये वाला भी डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसकी हम डालेंगे सिर्फ 5 बूंदें। हमने दोस्तों जो भी क्वांटिटी ली है वो बहुत कम लिए, तो इससे हमारे प्लांट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी समर सीज़न चल रहा है तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी वर्क करना है वो शाम को करना है। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्लांट को धूप में नहीं रखना है जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। तो आप 2 दिन तक प्लांट को शेड में ही रखिएगा। तो चलिए अब हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करके देखते हैं। चलिए अब हम स्प्रे की मदद से इनके ऊपर धीरे धीरे से वाटर डालते हैं। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हमें ये अच्छे से वॉश करना है पूरा प्लांट और बेस तक वॉश करना है। तो चलिए हम पूरे प्लांट को वॉश कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर ब्राउन कलर के मेलीबग्स का अटैक है। ब्राउन का मतलब है ये डेड हो चुके हैं, इनकी लाइफ स्पैन पूरी हो चुकी है। बस सिर्फ और सिर्फ वाइट मेलीबग ही जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे प्लांट को, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ब्राउन वाले कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी आप चाहें तो फोर्स से इनको रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कुछ चींटियाँ जो हैं वो हिल नहीं रही है, मतलब हमारा जो मिक्सचर हमने बनाया है उससे वो डेड हो रही है। चलिए, एक काम तो हो गया कि चींटियाँ भी मर रही है और मेलीबग भी मर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन करना है चींटियों को पॉट में ना आने देने के लिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर चींटियाँ घूम रही है तो हम एक ऐसा मिक्सचर डाल रहे हैं जिससे चींटियाँ आएगी नहीं। जैसे ही हम प्लांट को वॉश करेंगे फिर से ये चिड़िया आने लग जाएगी और फिर से अपनी फार्मिंग करने लग जाएगी दोस्तों। तो परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर है। आप चारकोल, वुड ऐश कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो छाने होते हैं, उपले होते हैं, उनका जला हुआ हिस्सा है, तो ये भी वन टाइप ऑफ चारकोल ही है, एक टाइप का कोयला ही है, बट ये बहुत ज़्यादा जला हुआ है। तो हम इसका उपयोग करेंगे सॉइल मिक्सचर के अंदर,
और उपयोग किस तरह से करना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको 1 इंचेस के आसपास डिगिंग करनी है, खड्डा खोदना है। अब दोस्तों आपको ये चारकोल है, ये वुड एश है, ये जो भी आप कहें, आपको ये मिक्स करना है सॉइल मिक्सर के अंदर। ये आपके सॉइल का पीएच लेवल भी मेंटेन करेगा। अब दोस्तों आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो चुका है। तो होप यू एंजॉय द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ। थैंक यू।